ये फिल्म अपने आप में कमाल है, अद्भुत है, एक इतिहास है। और मैं इसमें एक किरदार किया हूं कृष्णदास जी का, जो कि मथुरा से हैं, वृंदावन से हैं, और उनका डिमांड ये है कि मथुरा और काशी पर बात कब होगी। जी धन्यवाद। नहीं, इस पर तो मुझे, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं कोई वक्तव्य दूं। इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस 695 का चल रहा है, अगर अधिक से अधिक उसी पर बातें हों तो ज्यादा बेहतर है। नहीं, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझसे ना पूछे, और मैं उसका अधिकारी भी नहीं हूँ। उसके अधिकारी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ही हैं। इस फिल्म के संदर्भ में जितनी बातें करनी हो उनसे कीजिए। अरुण जी, आप कब जा रहे हैं? अरुण जी, आप कब पहुंच रहे हैं? नमस्कार सभी को, जय सियाराम, जय श्री राम। मैं इस फिल्म में एक ऐसा पात्र निभा रहा हूँ जो ये 500 वर्ष की जो संघर्ष गाथा रही है भारतवर्ष के हर हृदय की, जिन जिन लोगों ने अपनी आहुतियां दी, अनगिनत लोगों ने, और आज ये राम मंदिर में राम लल्ला कि प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा तो हर जन जन में है, हर भारत के कण कण में राम है। लेकिन जिस बर्बरता से बर्बर आक्रांताओं ने ठेस पहुंचाई थी, उसको न्याय मंदिर में भी न्याय मिला, और जो हमारे हृदय में है वो मूर्तिमंत हमें दिखाई देंगे। और अयोध्या ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी थी, है और रहेगी। मैं एक बात बताता हूं, मैं जो पात्र निभा रहा हूं वो इस संघर्ष को न्याय मंदिर में जिन्होंने वाचा दी, और जिन्होंने, जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, वो लोग खुद को झांके कि कहीं वो तो काल्पनिक नहीं हो रहे हैं। तो इस संघर्ष को और न्याय मंदिर में इसको वाचा देने वाले वकील का किरदार मैं कर रहा हूं, जिन्होंने इस संघर्ष के अंतिम कलश की रचना की और न्याय मंदिर में इसका मार्ग जो है वो प्रशस्त किया राम मंदिर बनने का, वो पात्र मैं निभा रहा हूं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि भारत राम इस देश की आस्था है, राम भारत की श्रद्धा है, और हमारी श्रद्धा और आस्था को कितना भी कोई मिटाना चाहे नहीं मिटा सकता। देखिए, राम ये शब्द इतना अद्भुत है, अक्षर दो है, लेकिन हम कहीं भी कोई भी चीज हमें अच्छी लगती है और कोई व्यक्ति अच्छा वर्तन करता है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि ये राम जैसा है। और किसी चीज में हमें कभी भी अपवित्रता दिखाई देती है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि इस चीज में कोई राम नहीं है। और कहीं भी कोई चीज में यदि कोई अद्भुत बात हो तो कहते हैं कि इसमें राम है। और राम, रामायण और प्रभु रामचंद्र का चरित्र हमें यह सिखाता है कि पिता कैसा होना चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए,
बंधुत्व कैसा होना चाहिए और मित्रत्व कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए और शत्रु से भी व्यवहार कैसे करना चाहिए, यह हमें राम, प्रभु राम का चरित्र सिखाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 695 है, ये सारी चीजों को, जो हर भारत के हृदय में बसी हुई चीजें हैं, उसे वाचा देने वाली ये 695 जो है वो एक अद्भुत तरीके से, क्योंकि लोग इसे दिल से देखेंगे, हृदय से देखेंगे। और जिन्होंने 80 के दशक से या जो भी बुजुर्ग हैं उन्होंने जो भी संघर्ष देखाया वो भी अपने आप को दिल से देखेंगे, चित्त से देखेंगे और दृष्टि से भी देखेंगे। इतना मेरा कहना है। देखिए भविष्य के बारे में न तो मुझे पता होता है न मैं बता सकता हूँ। जब ऐसा होगा तब देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। आज से कैसे बता सकते कहने क्या चाह रहे हैं आप? अगर पकड़ कमजोर हो गई तो क्या होगा? इसलिए फिर जब हम करते हैं अडैप्टेशन रामायण का मॉडर्न उसमें, हाँ। तो वो शायद इतना वो टोन कनेक्ट नहीं होती है जो भाषा का इस्तेमाल होता है। जैसे आदिपुरुष आई नहीं, तो अगर ऐसा है तो आप ऐसे एक्टर्स लीजिए ना जिनकी हिंदी अच्छी हो। आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से एक्टर्स लेते हैं ना, तो ऐसे एक्टर्स लीजिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने श्री राम का किरदार किया, वो आज तक लोगों को याद है, आपके बाद बहुत सारे आर्टिस्ट ने ये किरदार निभाया, लेकिन कब उनका ये आया रोल, कब चला गया, और आपको लोग आज भी याद करते हैं, आप कहीं जाते हैं तो वहाँ पर आपका बहुत सम्मान होता है, तो क्या क्या हो गया है कि आज एक्टर अच्छे नहीं है या राइटर अच्छे नहीं है? पता नहीं सर, मैं तो ये कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर राम जी ने कृपा कर दी। जो भी किरदार आपको दिया जा रहा है या जो भी मेकर्स हैं, सबसे पहले तो बात मेकर्स पे आती है कि आप इस तरह की कोई चीज बनाना चाहते हैं तो उसकी आत्मा, हर चीज की एक आत्मा होती है, एक सोल होती है, उससे अलग ना हटे आप। मेरा सवाल जो अटकर है, क्या आजकल ज्यादातर पैसे पर ही फोकस किया जा रहा है कि पैसा ही हमको कमाना है चाहे फिल्म हो? नहीं, ऐसा नहीं होता। सब तरह के मेकर्स होते हैं, सब तरह के एक्टर्स होते हैं, हर व्यक्ति पैसे के पीछे भागता हो ऐसा नहीं है। अरुण जी, मेरा एक सवाल है, 87 में रामायण का फर्स्ट शो आया और 92 में बाबरी मस्जिद का ढांचा टूटा, तो उसमें आपकी जन जागृति में आपका कैसा सरे रहा? सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपके बीच में वो कर रहा हूँ, कोई हमने मस्जिद ढांचा नहीं ढाया है ना, नहीं बोल रहे। हमने 40 साल तक जहाँ पे कोई पूजा अर्चना नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई दूसरी इबादत नहीं हुई, ऐसा एक विवादित ढांचा जिसको 6 दिसंबर 1992 में 6 दिशाओं से एक पूरा का पूरा भारत देश में पहुँच कर उसको, तो मस्जिद सब तुम्हें थोड़ा आपत्ति कर रहा हूँ। सर उसमें जन जागृति रामायण से आई, लोगों को पता चल गया था कि हमारे प्रभु राम से, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब नहीं, ऐसा कहना चाहता हूँ कि जन जागृति
अनादिकाल से रामायण तो होती आ रही है, जागृति तो वो उस मंदिर के बारे में जो जो ढांचे जिस ढांचे की बात आप कर रहे हैं वो तो 500 साल से चल रहा था, और हर चीज का अपना एक समय आता है जब वो काम होता है। मुझे क्यों धमकी आएगी, लेकिन ये बताइए मैंने कौन सा गलत काम किया था? अरे भाई आप धमकी सुनिए, आप धमकी की बात करते हैं, मुझे पाकिस्तान से इतने खत आते थे, इतने खत आते थे जिसका कोई नंबर्स नहीं थे, इतने खत आते थे मेरे मेरे घर के दरवाजे पर। मुस्लिम महिलाएं आती थी, कितनी मुस्लिम महिलाएं आई हैं कि हमारा बेटा चला गया था पर हमें लगता है बिल्कुल तुम वही हो, वैसे ही हो, अपने बेटे को ढूंढते हुए उसकी याद में मेरे पास आती थी वो, इतना अपने बच्चों से, कितना अपने बच्चों से प्यार करती होंगी वो मुस्लिम महिलाएं। ये रामायण के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। और पाकिस्तान से जो खत आते थे, आज भी मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था एयरपोर्ट पे, एक मुस्लिम फैमिली का वीडियो एक वायरल हुआ था, इतने बड़े मियां थे दाढ़ी वाले, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने, मियां ने खुद फोटो खींचा कि अरे 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 सुनो देखो देखो राम जी राम जी राम जी आओ, अपनी पत्नी का बच्चों का फोटो खींचा, फिर खुद का फोटो खिंचवाया मेरे साथ। तो मेरे साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जीवन में कोई भी काम ऐसा नहीं किया कि मुझे धमकी मिले या कोई मेरे से द्वेष रखे। I don't remember that. जिसने रामायण की बात करते हैं तो आपने आपने दिखाई देती है, कभी कोई रामायण बने लेकिन भविष्य का नहीं बचा। क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं उस वक्त हमारी मनस्थिति क्या होती है, हमारी परिस्थितियाँ क्या होती है, हम क्या सोच रहे होते हैं, किस सोच के दौरान हम गुजर रहे होते हैं, ये उस पर डिपेंड करता है कि हम कोई काम, हम कोई फैसला लेते हैं या नहीं लेते। ठीक है सर जी, आप दर्शन के रेफरेंस में पूछ रहे हैं जो तैयारियां चल रही हैं, जो भाडर समारोह का, कब आप पहुंच रहे हैं, कितने दिन पहुंच रहे हैं, आप किस तरह की तैयारियां देखिए, मैं जो दर्शन का समय है मैं उससे पहले भी अयोध्या जा रहा हूं, किसी और काम के लिए जा रहा हूं, लेकिन जहां तक दर्शन का ताल्लुक है मैं या तो 21 की शाम को वहां पहुंचूंगा या 22 की सुबह पहुंचूंगा। नहीं, हमने बहुत ज्यादा कड़वाहट नहीं ली है, हम हिंदू समाज के हम सनातनी लोग हैं, है ना, तो हमने मतलब क्या है, एक दो फिल्में पहले आई उसमें, लेकिन क्या पब्लिक भी ज्यादा वर्ड हो है, तो हमने अपना जो पक्ष है, हमारे साधु संतों ने जो अपना इस पे संघर्ष किया उस पे ज्यादा हमने फोकस किया है। योगी जी, मोदी जी, ये सब तो क्या है, वो जो भूमि पूजन वाला जो कार्यक्रम था, पूरा आयोजन था उनके हाथों से ही हुआ था, वो हमने उसमें डालने का किया था सिंबॉलिक तरीके से। 12 जनवरी को दिल्ली में हम कुछ धर्माचार्यों को ये फिल्म दिखा रहे हैं, 19 जनवरी को पूरे भारत में ये फिल्म रिलीज होने वाली है, 19 जनवरी सुबह 11 बजे हम सभी सलारी फिल्म 695 की पूरी टीम जो है धर्मनगरी उज्जैन में महाकाल जी के प्रांगण में पूजा अर्चना करने के पश्चात वहीं नजदीक ही उज्जैन के थिएटर में इस फिल्म का उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद 24 जनवरी को मंदिर निर्माण समिति के जो प्रमुख हैं चंपत राय जी ने भी हमें आमंत्रित किया है, 24 जनवरी को शाम को 5 बजे हमारी पूरी टीम राम मंदिर भी दर्शन करेगी, और रात को 8 बजे सभी जो शीर्ष नेतृत्व है मंदिर से जुड़ा हुआ
वो सभी मिलकर फिल्म को देखेंगे साथ में, ये मैं जानकारी हम जरूर मांग करेंगे और आपका सहयोग चाहिए, आप ही के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। इधर आना भाई फोटोग्राफर, जय श्री राम, थैंक यू भाई। अरे भाई हो गया कि तुम्हारा फोटो, अरे अरे हम लोग को तो फ्रेम मार दो एक। जय श्री राम, हर महादेव। धन्यवाद धन्यवाद। ओ पवन जी जरा आओ ना फोटो, अरे अभी चालू है, देखो चालू है, सरकार क्या है इधर देखो। यार लोग कैमरा सर थैंक यू। अरुण सर आपका सोलो, अरुण सर सोलो आपका आपका सोलो। हाँ वो राय मंदिर राम सर, अरुण सर, अरुण सर यहाँ, अरुण सर थोड़ी साढ़ाई ना साढ़ाई। अरे कौन है अरुण सर इधर, अरुण सर अरुण सर इधर इधर आ जाओ। थैंक यू सर, जय श्री राम, थैंक यू थैंक यू। भैया इतने इतने इस स्थिति में नहीं बना सकते, किरदार बड़ा शांति प्रिय किरदार है। और इस पल के लिए कितना इंतजार किया था और आखिरकार जो पल आ गया, राम मंदिर आप जा रहे हो, कितने खुशी है? आई एम वेरी हैप्पी, वर्षों के बाद ये पल आया है और इतने लोगों ने इसके लिए क्या कितनी मेहनत की, कितना क्या कुछ किया है, बहुत बहुत अच्छा मैं फील कर रहा हूँ। आखिरकार आप हम लोग सभी राम भगवान के दर्शन ले पाएंगे, किसके किसे सबसे ज़्यादा श्रेय देंगे? अरे सबसे ज़्यादा श्रेय इसके लिए प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए, वो सभी लोग जिन्होंने इतने बलिदान दिए हैं और जिन्होंने आज भी इतनी मेहनत की है, सभी को पूरे हिंदुस्तान को इस बात का श्रेय।